अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल डिजाइंस किया था, उम्मीद होप आप लोगों ने घर में उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और अपने स्केच बुक उसको फाइनल भी किया होगा। ठीक है, आज हमारी जैसे सेकेंड क्लास है तो चलते हैं हम सेकेंड क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप में आपने हमने कुछ प्रीवियस क्लास में भी किए होंगे, जैसे कि इमेजेस में आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दिस वन ये सी स्केप है, इसके अंदर पाम ट्रीज भी आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने इस सब चीज़ की प्रैक्टिस की है, आप अच्छी तरह से आपको याद होगा सब चीज़ों। तो आप लोगों ने इसी तरह की चीज़ें थोड़ी सी ड्रॉ करनी है। देखिए, सेकेंड इमेज सेकेंड इमेज में भी यही थीम है हमारी, सी स्केप। ठीक है, थर्ड इमेज में भी आ जाते हैं, थर्ड इमेज में भी हमारे पास सी सेम चीज़ है, ये सी स्केप की थीम की तरह सब चीज़ की है। अब इसमें हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें जो कंपलसरी है हमारे पास, कंपलसरी हमारे पास क्या चीज़ें हैं, जैसे स्केच बुक्स आपके पास होनी चाहिए, एच बी पेंसिल होनी चाहिए, रेजर होना चाहिए, रूलर होना चाहिए और काफ रख, ये सब चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग यूज़ भी कर चुके हैं अपने स्केच बुक में, सब चीज़ें ये सब चीज़ें सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और सेकेंड थिंग ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास ऑयल पेस्टल है, सॉफ्ट पेस्टल्स है एंड कलर पेंसिल है। तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में मीन्स ये है कि आप ऑयल पेस्टल कोई भी, आप जैसे सी स्केप की ड्राइंग है जिसमें आप ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं एंड सॉफ्ट पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों सॉफ्ट पेस्टल एंड कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कोई दो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, या तीनों ही किसी को एक के में लेके आ सकते हैं। ठीक है, जब चलते हैं अब आप स्केच बुक की तरफ, मैं आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करके और कलरिंग करके चलते हैं अपनी स्केच। क्लास सेवन स्टूडेंट, जैसे कि आपको असाइनमेंट नंबर टू आपके इन्वेलप में आपको इस फॉर्म में रिसीव हुआ होगा, ठीक है, जिसको जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है हमारे पास आप लैंडस्केप। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ ड्रॉ कैसे होगी, बेसिक चीज़ है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ सबसे पहले हम लोग ड्रॉ किस तरह से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले एक फ्रेम बनाना होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ कि इसका 1 इंचेस वाला फ्रेम आपने इस फॉर्म में एक फ़ोटो फ्रेम में इस तरह से आपने ड्रॉ करना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंचेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी नीचे वाली चीज़ बनाएंगे, ये वाली चीज़। ठीक है, ये चीज बनाने के बाद ठीक है, ये चीज बनाने में, ये चीज बनाने के बाद हम इससे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसी तरह ये जो चीज़ आएगी हमारे पास लाइन इसके बनाने हमने करता, ठीक है,
ठीक है, अब जैसे से आने के बाद हम इसकी ये चीज़ फाइनल कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके बाद आ जाएंगे, इसके बाद कलर रिंग के, ठीक है। अभी हम जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास तीन चीज़ें हैं, जैसे आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट पेस्टल यूज़ कर सकते हैं और ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऑयल पेस्टल यूज़ करूँगा क्लास सेवन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये सॉफ्ट पेस्टल यूज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे मैंने इस पर येलो कलर किया है, येलो कलर को आप इसी तरह रेजेंबलेंस में लेकर आते जाए नीचे। इसके ऊपर भी कर दें आपके, ताकि बाद में इसके ऊपर आप आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगा, ये चीज़ करने के बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जैसे लाइट स्काई कलर करेंगे हम लोग, कहीं कहीं इसके साथ वाइट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ यहाँ पर यहाँ ब्लू करना है इसको लाइट पानी के लिए, ठीक है। और इसकी इसी से वाइट आप मिक्सिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, ये वाइट मिक्सिंग करनी है इस तरह से इसके ऊपर, फिर उसके बाद और उसके बाद फिर हम लोग ये चीज़ दो चीज़ ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके ट्रीज के जो है आपने यहाँ से इसको ब्लू डार्क ब्लू कलर्स, ठीक है, यहाँ से इसकी आउटलाइन लेनी है, ठीक है, इस तरह से कलर करना है। ये ब्लैक इसके साथ आप मिला दीजिएगा तो आपके पास ये कलर डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। इसी तरह सेम यही ट्रीज का भी आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो कलर्स होगा यहाँ भी यही सेम कलर्स होगा, मगर यहाँ पे आपने डार्क कर थोड़ा देख लेना, ठीक है। जैसे ये चीज यहाँ पे यही कलर हम करेंगे, ये चीज़ होगा, मगर इसको ब्लैक के साथ शेड दे देंगे यहाँ पे, ताकि इसको डार्क कर देंगे, ताकि ये चीज़ विजिबल हो जाए हमारी। ठीक है, अब ये चीज़ पे रहते हैं। अभी अपने अपने इसी क्रियॉन्स के साथ आपने इसकी आउटलाइन ले लेनी है, ठीक है, और इसी क्रियॉन से आपने इसके ही बनाना है इसके ट्रीज, पाम ट्रीज में, ठीक है। पहला ब्लू का वही शेड लगाएं, अब इसी तरह आप जो आपके ट्रीज आएंगे, ठीक है, पाम ट्रीज जाएंगे, अपने इसी तरह इसकी ये चीज़ बनानी है, इसको इस तरह से शेड देना है, ठीक है। जहाँ डार्कर करना होगा वहाँ पे हम लोग इसके डार्क को ब्लैक के लिए इस तरह से यूज़ कर लेंगे, तो आपकी ये शेप सेम आ जाएगी इस तरह से।
ठीक है, ये चीज़ आपने फिर इसको इसी तरह ये सारे ट्रीज में आपने इस तरह से शेड करना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये वाली शेप इसको भी इसी तरह आपने करना है, ठीक है। ये डार्क करना है, इसी तरह इसको ब्लू से लेके, ठीक है, ये ब्लैक का शेड दे देंगे यहाँ पर, तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब आपने कोई भी एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है, ठीक है, उसके साथ इस तरह से मिक्सिंग करनी है इसके साथ इसकी, ठीक है। जैसे कि येलो कलर है, इसकी भी आपने इस तरह से करनी है, और यहाँ भी इसी तरह करना है, ठीक है। उसके बाद कलर पेंसिल से अगर इसको डार्क करना हो आपने, तो ठीक है, हम इसके ऊपर कलर पेंसिल यूज़ हो सकती है ऑयल पेस्टल पे भी, ठीक है। तो आपने इसी तरह इसको डार्क भी कर देना है, तो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से इसको शेड करके इसको आउटलाइन इसके डार्क कर देंगे इस तरह से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए मैं कह रहा हूँ अब ये डार्क होता जा रहा है, इसमें भी कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आप, कोई मना नहीं है आपको। इस तरह में जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, इसको कलर पेंसिल से बना सकते हैं इस तरह से, जैसे कि फिनिशिंग के बाद कुछ इस तरह से फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।